नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि आप ऐसी कोई साधना बताइए जो बहुत ही ज़्यादा तामसिक, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और ख़तरनाक होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाली हो, जिंदगी में कोई भी कार्य उस साधना से संपन्न कराया जा सके। तो इसके लिए मैंने आपको आज आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली डाकिनी साधना लेके आया हूँ। ऐसी डाकिनी साधना है कि अगर इसको कोई सिद्ध कर लेगा तो निश्चित रूप से फिर उसको कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसको संपन्न ना कर सके, ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसको वो कर नहीं पाए, उसे रोकना संभव नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली साधना होती, केवल और केवल दशमिद महाविद्या साधक और पंचदेवों का सिद्ध साधक। मैं यहाँ पर सिद्ध साधक की बात कर रहा हूँ, यूं ही साधक नहीं, पंचदेवों का सिद्ध साधक और दस महाविद्या साधक ही केवल इसको रोक सकता है और कोई इसको नहीं रोक पाता है। तो ये तामसिक साधना होती है, बहुत ही प्राचीन साधना है, बहुत पिछले समय में की जाती थी, असुर वर्ग की साधना है, यानी कि आसुरी साधना इसको कहा जाता है, बहुत ही शक्तिशाली है। और साथ ही साथ ये आज से नहीं, हजारों सालों से की जाती रही, लेकिन सिद्ध साधक लोग इसे करते हैं बताते नहीं हैं। तो और जबकि ये एक शाबर मंत्र की साधना भी मानी जाती है, तो आज मैं इसी साधना के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। इस साधना को सबसे पहले करने के लिए ये कोई वे व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल वही व्यक्ति करेगा इस साधना को जो तामसिक साधक हो। तामसिक साधक का अर्थ होता है जो मछली, मांस, मदिरा, इन तीनों चीज़ों का सेवन करता हो, ऐसा साधक ही केवल इस साधना को कर सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर समझ लेने वाली बात यह होगी कि आप चाहे कितने बड़े भी तामसिक भोजन करने वाले, तामसिक सोच वाले हों, लेकिन आपको साधना के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और उस समय किसी भी प्रकार से आपका आत्मसंयम किसी प्रकार से टूटना नहीं चाहिए। क्या क्या फायदे हैं इस बारे में बात करते हैं। तो सिद्ध होने पर जो साधक है वो इस शक्ति के माध्यम से किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी के साथ वो कर लेता है, और ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही जल्दी, तुरंत, तीव्रता के साथ डाकिनी उसके कार्यों को सिद्ध करती है। चाहे वो किसी औरत को अपने वश में करना चाहे, किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहे, खतरनाक से खतरनाक इंसान, किसी गैंगस्टर को मारना हो या गलत आदमी किसी की को जान से मार देना हो, या फिर ऐसे लोग, ऐसी स्त्रियां जो दूषित सोच की हैं उनको, उनका बहुत बुरा नुकसान पहुंचाना हो, इस प्रकार की बेहतरीन अलग अलग तरह की शक्तियों को ये संपन्न करती है। दुष्ट लोगों को दंडित करने में बहुत तीव्रता से कर लेती है। कैसे, अगर आपके सरकारी काम हैं उन रुके हुए कामों को ये सही कंप्लीट करा देती है। जो लोग प्रॉपर्टी बिजनेस में हैं, प्रॉपर्टी बेचना खरीदने का काम करते हैं, उनके कार्यों को बहुत जल्दी संपन्न कराती है। इस तरह से और भी बहुत से काम हैं। नौकरी अगर आपकी नहीं लग रही है तो आप, नौकरी आपकी लग सकती है इसके कार्य माध्यम से। बहुत सी ऐसी बातें हैं इनको जो है ये कर लेती है। लेकिन मैंने कहा कि इसको साधना आसान नहीं होगा, तो इस तरह के बहुत से कार्यों को ये करती है। अब बात करते हैं कि ये साधना करी कहाँ जाती है। तो ये साधना के लिए जो जो स्थान बताए गए हैं, सबसे ज़्यादा उपयुक्त इसको शमशान के किनारे का पोर्शन इसको माना जाता है, जहाँ अगर नदी बह रही हो तो बहुत ही उत्तम, ऐसा शमशान जिसके किनारे नदी बह रही हो सबसे उत्तम माना जाता है। या फिर आप किसी सुनसान खंडहर में कर सकते हैं जहाँ पर पुरानी इमारत नष्ट हो रही हो और वहाँ कोई आता जाता ना हो। इसी तरह अगर कुआं हो या बावड़ी हो, ऐसी जगहों के किनारे आप इसको कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे किसी वीराने जंगल की ओर जा सकते हैं जहाँ पर व्यक्तियों का आना जाना बहुत ही कम हो। इस तरह की जगहों पर ही केवल इसकी साधना की जाती है। घर पर ये साधना ना करें, क्योंकि इसके द्वारा घर के लोगों के ऊपर उस चीज़ का असर पड़ेगा और फिर वो घबराएंगे और ऐसी ऐसी बातें होंगी कि आपके साधना में विघ्न पड़ जाएगा, इसलिए आप ये साधना घर में मत कीजिए। तो इस तरह से आप डाकिनी को सिद्ध कर सकते हैं। आप डाकिनी के जो मंत्र हैं उनको अगर आप जपते हैं, तो आप उसके लिए आँखों को बंद करके ही जपेंगे,
और इसी के बीच में अगर जैसे आप साधना लगभग आधी कर लेंगे, जो साधना आधी हो जाएगी, तो उसके बाद बीच में जिसे कहा जाता है, जैसे अगर आपने 2 घंटे की साधना या 4 घंटे की साधना जितनी भी होगी, तो अगर 4 घंटे की साधना है तो 2 घंटे बाद, 8 घंटे की साधना है तो 4 घंटे बाद आप बीच में अपनी आँखें खोलेंगे, यानी बीच सेंटर में। बीच का आँखें खोलने का मतलब है कि जब आपकी आधी साधना पूरी हो चुकी हो, आप एक बार अपनी आँखें खोल कर पीली सरसों जो होगी आपके साथ उसको इसमें रखना जाता है। पीली सरसों को मंत्र से अभिमंत्रित कर उसी मंत्र के ऊपर, यानी कि आपको फूकना है उस मंत्र अभी पीली सरसों के ऊपर और फिर चारों दिशाओं की तरफ फेंक देना है। ये बीच की अवस्था में आपको करना है। तो इसको बाद इसका फिर आप छोड़ दीजिए, यानी फिर से आंखें अपनी बंद कर लीजिए और फिर से साधना में जुड़ जाइए। ये साधना कुल 41 दिनों की मानी जाती है। 41 दिनों की साधना में आपको भयंकर भयंकर अनुभव हो सकते हैं। बंद आंखों से आपको ये शक्ति दिखाई पड़ती है और अंतिम दिन अगर प्रकट होने की इसकी पूरी संभावना होती, पहले भी प्रकट हो सकती है लेकिन अंतिम दिन इसके प्रकट होने की, तो इसमें कहते हैं साधक को आवाज़ें देती है, भयंकर भयंकर आवाज़ें आती हैं, तो उन बातों से डरना नहीं चाहिए। और इसमें आपको अपने सामने मांस और मदिरा का भोग जो है उस डाकिनी को देना होगा, इससे जो है वो खुश हो जाती है और साधक को वचन देती है। वचन जो सभी साधनाओं में जो 3 वचन मांगे जाते हैं वही 3 वचन आपको लेने हैं ताकि आपका ये बुरा ना कर सके, क्योंकि कभी कभी अगर वचन लेना भूल जाओगे तो फिर आपके साथ मामला बिगड़ सकता है। और याद रखिए, जब भी से कोई कार्य कराना हो उसके बाद आप उसको भोग जरूर देंगे आप, यानी कि मदिरा मछली और मांस इसका भोजन आप इसको देंगे किसी कार्य को करने के बाद तुरंत। जैसे आपने कहा कि एक काम फला फला काम तुम्हें करना है सिद्धि के बाद, सिद्धि जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपको इसको भोजन के रूप में तुरंत उसको अर्पित कर देना है। वो भोज लेगी तो खुश हो जाएगी, अगर आपने इसे भूखा रखा तो यह फिर आपसे नाराज़ हो जाती है। कहते हैं इसकी शक्ति कर्ण पिशाचनी या कर्ण वितालनी या इस तरह की जो साधनाएँ होती हैं उनसे कई ज़्यादा गुना होती है। इसमें लगभग 1000 प्रेत आत्माओं की शक्ति मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 1000 प्रेत आत्माओं में जितनी ताकत होती है उतनी इस डाकिनी में होती है। यह सभी प्रकार के भूत प्रेत जिन हमजात की जितनी शक्तियां हैं, जितने प्रकार के जिन हैं, पिशाचिनियां जितनी प्रकार की हैं, इसी तरह की बहुत सी ऐसी जितनी भी तामसिक शक्तियां हैं, ये सभी को मार देती है और अपने साथ ले जाती है, सब इसके गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए इसको 1000 प्रेत आत्माओं वाली शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी इसका सामना करने की सामर्थ्य ना भूत प्रेत ना जिन्नों ना फिर हमजादों ना फिर इस तरह की जितनी भी पिशाचिनियों प्रेतों बेताल इन सब में नहीं होती है। 1000 प्रेतों की शक्ति को धारण करती है। इसमें साधक जब भी कोई कार्य की इच्छा करता है वो तुरंत कर देती है और ये तुरंत आपको दिखाई पड़ती है। अब इसके लिए जरूरी जो सामान होता है उसके बारे में भी बात कर ली जाए कि क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास भैंस का आसन हो, यानी भैंस की खाल हो, उसके आसन पे आप बैठ के साधना कर सकते हैं। अगर भैंस की खाल ना मिले तो बकरे की खाल के ऊपर बैठ के इसकी साधना कर सकते हैं। अगर बकरे की खाल भी ना हो तो आप कुशासन के ऊपर, कुशासन की घास का बना हुआ है कुशासन होता है, वो उस पर भी बैठ के इसकी साधना कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए बकरी की चर्बी का चिराग, यानी कि बकरी की चर्बी से जो तेल निकलता है उस तेल से आप जो है दिया जलाएंगे। मिट्टी के बर्तन में लगभग आपको 125 ग्राम बकरे की कलेजी का मांस रखना होगा। बकरे की कलेजी जो होती है उसका मांस, इसलिए मैंने कहा ये तामसिक लोगों की साधना है, ये सात्विक लोगों की साधना नहीं है। मिट्टी के प्याले में जो है आप जितनी ज़्यादा उसमें सुगंध आ रही हो मदिरा वहाँ पर रखेंगे। मदिरा में चाहे तो सेंट वगैरह भी डाल सकते हैं। पीली सरसों 5 ग्राम आपको रोज रखनी है, यानी कि आप साधना के बीच में जब इसे फेंकेंगे चारों तरफ तो उसके लिए आपको रोज 5 ग्राम पीली सरसों चाहिए होती है। चमेली के धूप की अगरबत्ती आपको ये बाजार से आपको मिल जाएगी, वो आपको कर लेनी। इसके लिए आपको जो साधना है वो आपको नंगे होकर ही करनी, शरीर पर एक भी वस्त्र
नहीं होना चाहिए। आप पूरी तरह से नंगे होकर के ही साधना को करेंगे। इसमें आपको रुद्राक्ष की शुद्ध माला की आवश्यकता पड़ती है साधना करने के लिए। आप माथे पर इसमें सिंदूर का तिलक लगाकर ही बैठेंगे, बिना सिंदूर के तिलक के ये साधना को पूरा नहीं किया जा सकता है। मंत्र जाप में हमेशा याद रखें कि आपकी जो मध्यमा उंगली है और अंगूठा, इसी पर आपको माला अपनी फेरनी है। यही विधि जो होती है फेरने की, मूलतः इसी पर ही आपको करना है। अमावस्या के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। दिशा इसके लिए आपकी उत्तर होगी, और जैसा कि हर साधना में नियम होता है कि सबसे पहले पवित्रीकरण होता है, फिर वास्तु दोष पूजन होता है, फिर गुरु मंत्र होता है, सुरक्षा मंत्र होता है, ये सब ये जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सामान्य तौर से वो सब आपको इसमें करनी होंगी। और इसमें आपको 41 दिन के अंदर सिद्धि का संकल्प हाथ में जल लेकर छोड़ते हुए करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें सिद्धि मिलेगी। 10 माला का जप करने के बाद आप पीली सरसों को दाहिने हाथ में रखकर एक बार मंत्र उस पर फूकेंगे और चारों दिशाओं में फेंक देंगे, और फिर उसके बाद फिर से आप उसको 11 माला आगे जाप करेंगे, यानी कुल 21 मालाओं का आपको इसमें जाप करना होगा। डाकनी कहते हैं, जब भी साधक को चिल्लाती है या बोलती है पीछे से, तो उसका वचन लेकर डाकनी को सिद्ध करना चाहिए। वचन के बिना डाकनी को बिल्कुल सिद्ध नहीं करना चाहिए, वरना डाकनी आपको नुकसान उल्टा पहुंचा सकती है। मंत्र जाप जैसा कि मैंने बताया जो है आप बंद आंखों से करेंगे, और तांबे का कलश जल में भरकर अपने साथ में रखेंगे। साधना काल में आपको मांस मदिरा का सेवन एक ही समय करना है, ठीक है? तो आपको केवल एक बार भोजन करना है पूरे 24 घंटे में, और एक बार वो भी मांस और मदिरा ही खाना है, यानी कि आपको इसीलिए तामसिक साधना ही बोली जाती है। ये साधना जो है लगभग रात के 12 बजे से शुरू होती है, शुरू की जाती है, और सुबह का पहला प्रकाश निकलने से पहले पूरी कर लेनी चाहिए। और 21 माला का जाप होता है, कहा जैसा जिस प्रकार की 10 माला जाप के बाद आपको पीली सरसों चारों तरफ फेंकनी है आंखें खोल के, फिर 11 माला फिर कर लेनी, यानी 21 माला है, रोज जाप आपको करना है। अब इसमें एक और चीज बात का जो इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी मंदिर से, किसी भी देवता की मूर्ति से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी होनी जरूरी है। ये वाम मार्ग की साधना मानी जाती है, आसुरी साधना मानी जाती है, और इसीलिए जो है भयंकर स्वरूप में ये दिखाई पड़ती है। कहते हैं डाकनी काली सी औरत की तरह खुले बालों वाली और पूरी नंगी बदन वाली, निर्वस्त्र जिसे कहते हैं, दिखाई देती हैं, और यही देख करके आपको समझ जाना चाहिए कि डाकनी आपके सामने सिद्ध हो चुकी है। फिर उसको आप भोग अर्पण करेंगे आखिरी दिन, और बाद में जब वहाँ से चले जाएंगे तो रोज आप जो है मांस और मदिरा खुले स्थान पर छोड़ करके चले आएंगे, जहाँ पर आप पूजा करते हैं उसके अगल बगल कहीं पर रख दीजिए कि आपको मैं अर्पित करके जा रहा हूँ। और सुबह 4 बजे से पहले आपको ये साधना कंप्लीट कर लेनी जैसा कि मैंने बताया, और जमीन पर ही मांस और मदिरा डालकर आप वहीं पर सो जाएंगे, ठीक है? इस तरह से आपको प्रतिदिन चीज़ें करनी है। कहते हैं कि भयंकर आवाज़ें आती हैं, प्रेत भूत चुड़ैल इस तरह की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब आपके पास आती हैं, आपके शरीर के साथ खिलवाड़ भी कर सकती हैं, या यूँ आपको डराने की कोशिश, भगाने की कोशिश कर सकती हैं, आपके दिमाग पर हावी होने की कोशिश कर सकती हैं। तो इस सब चीज़ों से आपको बचना होता है। इसके लिए आप अपने किसी भी शक्तिशाली सिद्ध जो है रक्षा मंत्र को सिद्ध कर रखे हों। अगर माता काली का साबर मंत्र हो, जैसे मैंने एक बार वीडियो में डाला था, तो वो अगर आपने कर रखा है तो उससे आपकी रक्षा होती रहेगी। ये सब रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य चीज़ें होती हैं, और अपनी तरफ चारों तरफ घेरा बना करके ही साधना में बैठें और साधना करें। कहते हैं कि इस साधना को कर लेने के बाद आपका जो मूल विशेष कार्य है, या अगर कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है और बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर लिया, इसको प्राप्त कर लिया, तो इसको कुछ दिनों बाद, या यूँ कहिए कि कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद आपको इसको विसर्जित जरूर कर देना होता है। क्योंकि इससे डाकनी को आप मुक्त करके ये भगवान विष्णु की साधना से मुक्त हो जाती है, या माँ जगदम्बा की साधना से भी मुक्त हो जाएगी, तो उसको सिद्ध करके आपको बाद में विसर्जन करके मुक्त कर देना होता है। क्योंकि एक सीमा तक ही इसको लेके जाइए, वरना ये फिर आपको बहुत ज़्यादा तामसिक बना देगी और मरने के बाद अपने साथ लेके चली जाएगी। इसलिए इसको कुछ समय बाद विसर्जित किया जाता है साधना को,
ताकि इसका प्रभाव आपकी जिंदगी के ऊपर ना पड़े, और एक समय तक ही या विशेष कार्य हेतुओं तक ही इसको रखा जाता है। एक साल, दो साल, पाँच साल बहुत रख लिया आपने, दस साल रख लिया, इसके बाद आप इसको विदा कर दीजिए और इसकी मुक्ति भी कर दीजिए और स्वयं की भी अपनी मुक्ति कर लीजिए और बड़ी साधनाओं में जुट जाइए। ये तरीका होता है, क्योंकि आप शक्तिशाली तो बहुत ज़्यादा होते चले जाएंगे, लेकिन आप ऐसे मार्ग पर निकल पड़ेंगे कि फिर आप स्वयं डाकनी बन जाएंगे। इस तरह ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ये प्रक्रिया बाद में सभी लोग करते हैं। तो इसका जो मूल मंत्र है वो जान लीजिए, ओम स्यार की खवासिनी समंदर पार धाई, आव बैठी हो तो आव, ठाड़ी हो तो ठाड़ी आव, जलती आ उछलती आ, ना आए डाकनी तो जालंधर पीर की आन, शब्द सांचा पिंड कांचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो ये शाबर मंत्र के रूप में इस तरह से इसकी साधना की जाती है और आपको निश्चित रूप से इसमें सिद्धि प्राप्त होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।